देख रहे हैं सुपर ग्रुप और मैं हूं अमित शर्मा। दोस्तों मैं अभी करीबन एक सप्ताह के बाद आप लोगों के लिए वीडियो लेके आ रहा हूं, क्योंकि दोस्तों मैं अपने कुछ पर्सनल काम की वजह से मैं बहुत ही बिजी था, जिसके कारण मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर नहीं कर पाया, आप लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं कर पाया। तो मैं आ चुका हूँ वापस, आपको आप रेगुलर इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि बहुत सारे दोस्तों का कमेंट्स आ रहा है कि सर जो मैं प्रमोट हूँ पार्ट वन में या पार्ट टू में प्रमोट हूँ, ठीक है, तो हमारा प्रैक्टिकल किस सब्जेक्ट में होगा और किस में नहीं होगा। तो मैं आप लोगों को पूरा क्लियर करने वाला हूँ, डिटेल्स में बताने वाला हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि आप ऑनर्स पेपर में जो है प्रमोट हैं, ठीक है, तो आपको ऑनर्स पेपर का भी प्रैक्टिकल देना होगा और साथ में आपको प्रैक्टिकल का भी प्रैक्टिकल देना होगा, बशर्ते इसमें एक शर्त है कि आप लोगों का जो है ऑनर्स पेपर में प्रैक्टिकल होना चाहिए, तभी आप दीजिएगा। अगर ऑनर्स पेपर में आपका प्रैक्टिकल नहीं है तो फिर आपको नहीं देने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। अब आपको हम बात करने वाले हैं सब्सिडरी वालों के लिए। जो भी बच्चे सब्सिडरी का एग्ज़ाम दे रहे, मतलब देने वाले हैं, प्रमोट थे फिर से दोबारा देने के लिए जा रहे हैं, तो उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि वो लोग भी जो है जो सब्सिडरी में जिस सब्जेक्ट में वो प्रमोट है उस सब्जेक्ट में अगर प्रैक्टिकल हो रहा है, अगर उसमें होता होगा प्रैक्टिकल, मतलब आपको पहले ये पता करना होगा कि हम जिस सब्जेक्ट में हम प्रमोट है उसमें प्रैक्टिकल होता है या नहीं होता है। अगर होता है तो आपको सिर्फ उसी सब्जेक्ट का, सब्सिडरी सब्जेक्ट में जिस सब्जेक्ट में आप प्रमोट हैं सिर्फ उसी सब्जेक्ट का आपको प्रैक्टिकल देना होगा, बशर्ते ऑनर्स वगैरह का कुछ भी नहीं देना होगा प्रैक्टिकल, ओनली वन जो सब्जेक्ट में आप प्रमोट हैं उसी का देना होगा। दोस्तों अगर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, और दोस्तों आप इसी तरह हमारे चैनल में बने रहिए और विश्वास बनाए रखिए, आपको सभी जानकारी मिलती रहेगी। अगर आप लोगों का कोई सवाल हो तो आप नीचे कमेंट्स कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।